इधर अलवर में नशे के खिलाफ भिवाड़ी पुलिस ने कार्रवाई की है और 48 किलो गांजा के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इनसे दो कट्टा, एक पिस्टल और 60,000 की नकदी भी बरामद की गई है। भिवाड़ी पुलिस और QRT ने इस संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। अलवर से हमारे संवाददाता पवन राजपूत फोनलाइन पर जुड़े हैं। पवन, इस गिरोह के बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है? जी डॉक्टर प्रभात, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी कामयाबी माननी जा रही है। तो किस तरह पुलिस ने एक गाड़ी के अंदर बात करें तो जिस तरह गांजे तस्कर सही थे, इनके पास जो अवैध हथियार थे वो भी बरामद किए गए हैं और पुलिस इनसे और पूछताछ कर रही है। जिस तरह इनका पास जो माल बरामद हुआ है, ये बताया जा रहा है कि ये उड़ीसा से लेके आते हैं, क्योंकि जाहिर है कि बड़ा नेटवर्क है और भी लोग इस नेटवर्क के अंदर शामिल हैं। तो पुलिस गहनता से उनकी से और भी पूछताछ कर रही है और इनसे और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो तीन तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये जो सामान इनसे बरामद हुआ है, ये ओडिशा से लेकर आए थे और इसे आगे सप्लाई करते थे। फिलहाल इनसे जो हथियार बरामद हुए हैं और जो गांजा बरामद हुआ है, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है।